हेलो ऑल, वेलकम टू पीटीएस। पीटीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पीटीएस आप सबके लिए फिर से लेके आई है स्टॉक फॉर टुमारो, दैट मींस 24th of September 2019। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमारा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग बैच स्टार्ट हो गया है। दिल्ली के ऑफलाइन ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको सीट बुक करवानी है अपनी तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आज की वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज भी मार्केट करीबन 270 पॉइंट अप खुला था मॉर्निंग में, प्री ओपन में। और देखिए, आज काफ़ी बड़ा ह्यूज गैप अप हुआ है मार्केट में, ठीक है। तो हम देखिए, बेसिकली मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से चलता नहीं है। दो दिन में इतनी रैली दे चुका है मार्केट कि यहाँ पे इन लेवल्स पे लेना, इसका मतलब थोड़ा सा हम फंस सकते हैं। तो हमें उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए दो स्टॉक लेके आया हूँ। पहला है हमारा टेक महिंद्रा का। टेक महिंद्रा में हमें क्या करना है, शॉर्ट करना है, क्योंकि मैं आपको शो कर देता हूँ। देखिए, पीटीएस आपको रीज़न दिखाती है और आपको रिलेवेंट रीज़न दिखाती है, आपको प्रॉपर चार्ट पे बना के दिखाती है कि क्यों हो रहा है ये हमारा, क्यों हम इस स्टॉक को सेलेक्ट कर रहे हैं। देखिए, बेसिकली टेक महिंद्रा क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर लेवल पे ये बार बार सपोर्ट ले रहा था। करीबन मैं आपको शो कर देता हूँ, करीबन एक बार, दो, तीन, चार, पांच, दोस्तों पांच बार इस लेवल पे इसने सपोर्ट लिया था। दैट मींस ये हमारा अच्छा खासा बेस बन चुका था टेक महिंद्रा के लिए। अच्छा, और आप देख सकते हैं कि एक कुछ इस प्रकार से एक पॉजिटिव ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही थी टेक महिंद्रा में, ठीक है। और उस ट्रेंड लाइन का, उस सपोर्ट का ब्रेकआउट कर चुका है आज के डेट में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको लाइव स्ट्रीमिंग में बताया था कि आईटी सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, और वैसा ही देखने को मिला आज के डेट में। तो फिलहाल देखो, हमें अभी शॉर्ट टर्म में आईटी सेक्टर में और स्पेशली टेक महिंद्रा में और नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो क्या करना है हमें, कल के डेट में हमें शॉर्ट सेल करना है टेक महिंद्रा को, जब तक टेक महिंद्रा कितने के नीचे रहे। दोस्तों, जब तक ये 702 के नीचे रहे तब तक आपको शॉर्ट सेल करना है। दैट मीन्स उछाल में बिकवाली करनी है। दोस्तों देखो, ट्रेडिंग करने का यही रियल मायना है कि आप उछाल में बेचें और डिप में खरीदें। लेवल्स कभी भी काम नहीं करते, मैं आपको बता दूं, लेवल्स मतलब एग्जैक्ट लेवल कभी भी काम नहीं करते। आपको ट्रेडिंग जब आप कर रहे होते हैं तो आपको स्टॉक के साथ एंटिसिपेट करके चलना पड़ता है। ऑलराइट, तो मैं आपको बता दूं कि आपका यही 702 आपका स्टॉप लॉस भी है। यदि 702 के ऊपर कोई दो कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल बन जाती है तो आप निकल जाइएगा। 702 के नीचे जब तक कैंडल रहे टेक महिंद्रा की, तब तक आप शॉर्ट कर सकते हैं। जो आपका टारगेट रहेगा दोस्तों, आपका टारगेट होगा 670 का, आपका टारगेट होगा इंट्राडे के लिए। मूविंग ऑन, जो हमारा दूसरा स्टॉक है, ये मैं शॉर्ट साइड के लिए लाया हूँ आपके लिए, HDFC बैंक है। दोस्तों आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, बस ये ट्रेडिंग के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ, ना कि इसको होल्ड करके रखना है आपको। कि अभी आपको देखो, इतना पता होना चाहिए कि अभी इन लेवल्स पे बाय एनालिसिस देना खतरे से खाली नहीं है। मतलब देखो, मार्केट ये जो गैप आप देख रहे हो, ये जो आप सब गैप देख रहे हैं, इतना जो गैप है ये फिल होने, ये फिल करने के लिए निफ्टी और स्टॉक्स आ सकते हैं। तो इसीलिए हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं कि अगर ये गैप फिल होगा तो हमें थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाना चाहिए। अच्छा, हमें क्या करना है, HDFC बैंक में कितने के नीचे शॉर्ट सेल करना है, 1250 के नीचे हमें शॉर्ट सेल करना है। कितने के नीचे, 1250। अगर 1250 के नीचे 2-15 मिनट की कैंडल बंद हो जाए रेड कैंडल तो आप शॉर्ट कर सकते हैं 1235 और 1230 के टारगेट के लिए। दोस्तों आपका स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, इसका हाई आप 1280 का आपका स्टॉप लॉस रख सकते हैं आप HDFC बैंक में, ठीक है। दोस्तों तो यही है, और देखो इन दिनों क्या है कि मार्केट बहुत ह्यूज गैप अप है, और तो इसीलिए लेवल्स और एनालिसिस कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ना तो हम इन लेवल्स पे बाय कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा फंसने का चांसेस है हायर लेवल्स पे, तो इसलिए आपको थोड़ा कॉशियस रह के काम करना है, आपको इमोशनल नहीं होना है इन लेवल्स पे,
कि आपको अरे अरे यार मार्केट, आपको इस प्रकार से भी नहीं होना है कि अब यहाँ से अरे मार्केट अब भागने वाला। देखो मार्केट भागेगा यहाँ से, लेकिन इस प्रकार से नहीं भागेगा मार्केट, कभी भी इस प्रकार से नहीं चलता, ठीक है? आपको इतना चीज़ पता होना चाहिए। सो दोस्तों यही हमारे कल के लिए दो पिक जो आपको बहुत बेहतरीन मुनाफा देने वाले हैं। दोस्तों यदि आपको भी करनी है इस प्रकार से एनालिसिस, कैसे, जैसे पीटीएस करती है, जैसे पीटीएस आपको बिल्कुल जैसे पीटीएस स्टॉक्स की कितनी सिंपल तरीके से जैसे पीटीएस स्टॉक की एनालिसिस कितना सिंपल वे में करती है, कितना सिंपल वे में आपको समझाती है, ठीक है? अगर आपको भी इस प्रकार का कॉन्फिडेंस चाहिए, किस प्रकार का कॉन्फिडेंस, जैसा पीटीएस के अंदर है, दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस प्रकार का कॉन्फिडेंस लेने के लिए, गेन करने के लिए लोगों को सदियां बीत जाती हैं, लेकिन अभी भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है किसी के अंदर कि वो हमारी तरह एनालिसिस कर सकें। पीटीएस इकलौता ऐसा चैनल है यूट्यूब पे कि आपको कभी भी प्रॉफिट शो करके अप्रोच नहीं करता है नॉलेज लेने के लिए, अपनी ट्रेनिंग लेने के लिए, ठीक है? पीटीएस ऐसा इकलौता चैनल है जो कि आपको ज्ञान के लिए अप्रोच करता है, किसके थ्रू, एनालिसिस के थ्रू। आप हमारी एनालिसिस देखिए, अगर देखिए दोस्तों मैं केवल आपको निमंत्रण ही दे सकता हूँ, आपको फोर्स तो कर नहीं सकता, बाकी डिसीजन लेना ना लेना किसी और से लेना है, जो प्रॉफिट शो कर रहा है उससे लेना, अगर आप चाहते हैं तो जाइए उससे लीजिए, तो ये आपके ऊपर है। मैं आपको बस निमंत्रण दे रहा हूँ, अगर आपको इस रेवोल्यूशन में शामिल होना है, कौन से रेवोल्यूशन में दोस्तों, हमारा ये रेवोल्यूशन है कि हम भारत के 130 करोड़ लोगों को शेयर मार्केट में जोड़ना चाहते हैं, ठीक है? किसके थ्रू, पीटीएस के नॉलेज के थ्रू। अगर आपको भी जुड़ना है इस क्रांति में, आइए, हमने हर जगह से ज्ञान प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है, थ्रू ऑनलाइन, थ्रू ऑफलाइन, दिल्ली के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, हर शहरों में आने वाले हैं हम अपना ज्ञान आपके डोर स्टेप पे लाने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना फैलाइए, जितने भी आपके फ्रेंड्स ग्रुप हैं आप वहाँ फैलाइए, अपने जितने भी आप, अगर आप फेसबुक फॉलो करते हैं आप फेसबुक पे फैलाइए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए, ताकि पीटीएस यूं ही चलते रहे और आप सब नॉलेजेबल हो सकें। वीडियो पसंद आए लाइक करें। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए आप सबको गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।